हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ओरियो मूस। लग रहा है ना, बहुत ही डिलीशियस, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इसे हम बनाएंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ। इसे आप सिर्फ 15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 ओरियो बिस्किट लिए हैं। मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर वाला लिया है, आप चाहें तो चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो बिस्किट को यहाँ पे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो बिस्किट को यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। 2 टेबल स्पून चूरा को हम बचा लेंगे बिस्किट का, और बाकी जो है बाउल में डाल लेंगे। और यहीं पे हम क्या करेंगे कि 1 टेबल स्पून मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है, तो बटर को यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार है, इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है, इसे हम बीट कर लेते हैं। और जब भी आप व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करते हैं, आपका व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल चिल टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो ये लीजिए, हमारी क्रीम भी बिल्कुल तैयार हो गई है मिनटों में। तो यहीं पे हमने जो ये 2 टेबल स्पून बिस्किट का चूड़ा बचा के रखा था, इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये हमारी क्रीम बिल्कुल तैयार है। तो अब हमें क्या करना है कि एक ग्लास ले लेंगे और इसमें हम पाइपिंग बैग लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे स्पून से भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो पाइपिंग बैग में हम क्रीम को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की ट्रांसपेरेंट ग्लास ले ली है, और यहीं पे बिस्किट का जो मिक्सचर बना के रखा था, इसे हम ग्लास में डालेंगे। और इसे हम क्या करेंगे कि स्पून से इसे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि ये नीचे सेट हो जाए। तो ये देखिए, नीचे अच्छे से सेट हो गया है। तो सेम प्रोसेस करेंगे और भी ग्लास में। हम यहाँ पे 3 ग्लास में मैंने सेट कर लिया है, और यहीं पे ये जो क्रीम है इसमें मैंने कोई नोज़ल नहीं लगाया है पाइपिंग बैग में। इसे थोड़ा कट करेंगे और इसके ऊपर चाहे तो इसे स्पून से भी स्प्रेड कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे कि इसे स्पून से थोड़ा चिकना कर लेंगे और किनारे किनारे थोड़ा अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी को भगोने में गर्म होने के लिए रखा है, और यहाँ पे 100 ग्राम का ये 1 चॉकलेट बार मैंने लिया है। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। यहीं पे 2 टेबल स्पून हम दूध को ऐड कर देंगे इसमें, और चॉकलेट को मेल्ट होने देंगे। जल्दी से चॉकलेट मेल्ट हो जाता है 1-1.5 मिनट में ही। तो ये देखिए, चॉकलेट हमारा मेल्ट हो गया है। तो यहीं पे हम स्टोव बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो ये जम जाएगा। तो ये देखिए, चॉकलेट भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है।
और हमारी जो ये ग्लास है इसके ऊपर हम चॉकलेट की लेयरिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों ग्लास तैयार हैं। तो यहीं पे हम बिस्किट को कट कर लेते हैं। तो इसे हाफ से हम इस तरीके से कट करेंगे। और अब हम इसकी थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो बिस्किट को इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसके ऊपर एक एक चेरी डाल देंगे। तो देखिए हमारा तैयार है ओरियो मूस।